ये पूरा पीछे का व्यू है, मैं इतना हाई हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो टुडेज़ वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट, मैं जा रही हूँ नैदान फॉल्स आपको लेकर। सो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग नैदान जा चुके हैं, बट दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो दिस वीडियो विल गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच फन। सो आई होप यू वॉच टिल द लास्ट, एंड फिर मिलते हैं आपको नैदान फॉल्स पर। एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो ये है हमारा आज का लुक ऑफ द डे, और यू कैन सी OTT विदाउट शूज। कैसा लग रहा है यार, कमेंट में जरूर बताना। बाय, लेट्स मीट यू इन द निदान फॉल। पहुंच गए हैं, पहुंच नहीं गए हैं यहाँ से, अभी अपन को और चल के जाना पड़ेगा। ये निदान की पार्किंग है, ये पूरा पार्किंग का एरिया है। यहाँ से आप पहाड़, सनसेट व्यू सब देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का, पार्किंग का भी। तो ये थी पार्किंग। अभी हमें इसके बाद 2-3 किलोमीटर अप्रॉक्स चल के जाना पड़ेगा पैदल, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। तो प्रिपेयर होकर आएँ कि चलना पड़ेगा। एज़ यू कैन सी इन द वीडियो, पूरा लाइक नॉर्मल रोड वाला रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता लाइक चट्टान वगैरह हैं। सो आप सारी लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है, सैंडल, फैंसी सैंडल्स और हील वाली सैंडल बिल्कुल मत पहन के जाना, नहीं तो पैर टूट जाएंगे वापसी में। शूज़ पहन के जाओ, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओ। शूज़ तो बिल्कुल पहन के ही जाना, सैंडल पहन के बिल्कुल मत जाना, नहीं तो पैरों में दर्द हो जाएगा लौटते में। और जितना हो सके उतने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, रोड बिल्कुल नहीं है, पूरे रास्ते में चट्टान ही चट्टान, बड़े बड़े पत्थर। तुमको कूद कर भी जाना पड़ेगा, बैठ कर भी जाना पड़ेगा। दिखाते हैं आपको व्यू कैसा होता है वहाँ का।
यहाँ से निदान बस थोड़ा ही दूर है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, लाइक पहाड़ी पहाड़ थे, पेड़ झाड़ियाँ तो आपको पूरे रास्ते में मिलेंगी, पेड़ पौधे, तो जिसको ग्रीनरी पसंद है वो तो लव इट। यहाँ पर एक केव है, बाकी ग्रीनरी ग्रीनरी पूरे में, पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। ये पहाड़ यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप यहाँ बैठकर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं लाइक वी डिड, हमने भी खिंचवाई थी। ये पहाड़ों का व्यू वॉज सो 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 गुड। यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है, यहाँ का व्यू और पीछे का व्यू बहुत डिफरेंस था। यहाँ से जो पहाड़ हैं, पीछे तो पूरे चट्टान ही चट्टान थी, यहाँ का बट अच्छा था। सन व्यू भी बहुत अच्छा था यहाँ से, लाइक ऐसा लगता है ना कुछ सिटी से निकल के कुछ अलग ही व्यू में चले गए हो आप, वो वाली फीलिंग आती है, जंगल ही जंगल। लाइक अकेले जाना तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप दो लोगों या तीन लोगों के ग्रुप में जाएं, गो विथ अ ग्रुप ऑफ 15 to 10 पीपल्स, तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा एंड यू विल बी सेफ भी रहोगे। बस थोड़ा दूर और ऐसा करते करते हम लोग पहुँच गए थे। घर से प्रिपेयर होके जाना कि चलना पड़ेगा, पानी वानी लेके जाना, इतना सारा चलना है। और गर्मी में तो आई वुड नेवर से कि आप गर्मियों के मंथ में जाओ, पागल हो जाओगे धूप में। तो ज़्यादा ठंडी में भी मत जाओ, ज़्यादा गर्मी में भी मत जाओ, ज़्यादा बरसात में भी मत जाओ, बीच का मौसम देखो। जैसे हम लोग गए थे, पानी था, उतना पानी नहीं था, एंड दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन, वी अराइव्ड आवर डेस्टिनेशन, ये आने ही वाली है हमारी डेस्टिनेशन, ये पूरा पहाड़ों का व्यू एंड देयर वी आर। ये पीछे का व्यू, ये आगे का व्यू एंड देयर वी आर, ये है मेन निदान। छोटा सा तालाब कह लो एंड पूरा पहाड़ी पहाड़ ऊपर से खुला हुआ, चारों साइड से सराउंडेड विथ माउंटेंस। एंड वो रहा एक झरना, आई एम श्योर कैमरा में दिख रहा होगा आपको वहाँ, वो बहुत ऊपर है, जाएंगे हम वहाँ भी, पहले यहाँ का इन्जॉय करते हैं। ये है रास्ता है अगर आपको ऊपर चढ़ के जाना है, दैट्स व्हाई मैं कह रही थी सैंडल वगैरह बिल्कुल मत पहन के जाएं, ये गिरते गिरते बच्ची, सैंडल वगैरह तो बिल्कुल मत पहन के जाना यार, शूज़ ही पहन के जाना, पागल हो जाओगे नहीं तो। वो भी पागल ही हो गई थी बेचारी। ये है पहाड़ी पहाड़, एंड वो रहा वाटरफॉल। यहाँ आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ज़्यादा भाई ऊपर ना जाएं, अपनी सेफ्टी ज़्यादा ध्यान रखें। वो है तालाब, मैं थोड़ा ऊपर हूँ तो नीचे दिख रहा है, एंड ऐसा पूरा व्यू है निदान का। ये झरना बह रहा है, ये बहुत ऊपर से बह रहा है नीचे तालाब। भाई केयरफुली रहें, यहाँ बहुत स्लिप भी करता है, तो देख के जाएं ज़्यादा, मतलब फ़ोटो वोटो के चक्कर में ना रहें, इन्जॉय करें अपना। दिस लुक, दिस व्यू वॉज सो गुड, लाइक खो जाने वाला व्यू था। वैसे पानी कम था बट इट्स ओके, चलता है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, ना गर्मी लग रही थी ना ठंडी लग रही थी, इट वॉज ऑल गुड। सो इन्जॉय the video. Yeah.
एक वाटरफॉल एंड नीचे पानी है। पीछे का ये व्यू है, बहुत वी आर हैविंग टू मच फन। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैं कभी नहीं आई। मैं पीछे का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये पूरा पीछे का व्यू है, ये नीचे पानी एंड ऊपर पहाड़ी पहाड़। ये है पीछे का व्यू, ये झरना। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप जबलपुर में रहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ विजिट, बहुत मज़ा आएगा। मेरे हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं। पानी बहुत लड़की है, ये पानी पानी पहाड़ी पहाड़। हम लोग वहाँ से चल के आए हुए हैं, बहुत लंबा रास्ता था। इट्स नाइस, वेरी नाइस। स्मॉलेस्ट पीक कह सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, भाई डर लग रहा है। ये एक झरना, और पीछे दिखाऊं मैं, पीछे बहुत ऊंचा लग रहा है। यहाँ से मैं इतना हाई हूँ, वहाँ ज़मीन है, वहाँ यहाँ यहाँ आई एम हेयर। और ये एक वाटरफॉल जो भी दिखाया, बहुत थक भी गए हैं, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, बट इट्स ओके। ऐसे व्यूज़ के लिए कुछ भी, रील्स बन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आइए, आज संडे था तो थोड़ा तो रश था, बट हम लोग इजीली आ गए थे। आप भी आ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो वाइज सो नाइस सर, ये झरना तो आहा, ऐसा लग रहा है नहा लें, बट ठंडी का टाइम है तो नहीं नहा सकते ना। और वैसे मैं यूजुअली पसंद नहीं करती हूँ ना ऐसे नहाना वहाना, कहीं बाहर गीला होना मुझे पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई मैं नहीं नहाती। हाथ भी इतने ठंडे हो रखे हैं ना, पानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंडी में अगर आप आ रहे हैं ना तो बेस्ट टाइम है, आप अपने घर से निकल जाइए लगभग 9 बजे के बाद, क्योंकि 2 घंटा तो हम लोग को यहाँ पहुँचने में लगा था, और अब जाने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। Enjoy. हो गया फोटोशूट, नाउ वी आर गोइंग होम। हम लोग नहीं है ब्लॉग में, हम लोग कभी कैरी रास्ता है यार, बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा है। दिखाती हूँ कहाँ से जाना है, क्यों यहाँ से जाना है, यहाँ पानी है और चट्टान ही चट्टान है, बचकर घर जाना है आज। ये मेरी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है। नहीं, बाहर ठंडी थी जब हम लोग गए थे सुबह के टाइम, उस टाइम तो गर्मी लग रही थी, प्लस वहाँ पे बहुत सारा पैदल भी चलना पड़ा, तो वहाँ तो गर्मी थी एंड आते टाइम ठंडी थी, तो माई क्लोथ आर चेंज्ड, मैं ठंडी के कपड़ों में आ गई हूँ। लेट्स टॉक अबाउट हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, आज से पहले मैं निदान कभी नहीं गई, और ऐसे मतलब फ्रेंड्स के साथ मैं कभी नहीं जाती हूँ कहीं। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ, फर्स्ट टाइम निदान। ऐसे तो हम लोग जाते हैं तो सारी फैमिली जाती है,
तो जाते हैं, बट आज अच्छा था, ओवरऑल इट वॉज गुड। एंड अगर आप जाने का सोच रहे हैं निदान, ठंडियों के मौसम में वैसे ज़्यादा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो हम देखने जा रहे हैं, बेसिकली हम देखने जा रहे हैं फॉल, वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, तो पानी उतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम था नहीं, ठंडी थी, तो पानी उतना ज़्यादा था नहीं। अगर अब आप प्रेफर कर रहे हैं जाना, घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, तो जा सकते हैं, कैसे बुरा नहीं है। पानी नहीं मिलेगा ज़्यादा, पानी तो ठीक ठाक था, कम ही था, बट बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में बहुत अच्छा व्यू रहेगा, पानी भी ज़्यादा रहेगा, प्लस भीड़ वगैरह भी रहेगी। आज संडे था, वैसे वहाँ उतना रश नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत छोटी सी जगह है, तो वहाँ इतना रश नहीं था, अच्छा था। वीडियो में देखा होगा आपने, मतलब क्लियर थी जगह, उतना कुछ रश नहीं था, जा सकते हैं। संडे था, भीड़ थी, फिर भी भीड़ थी, कार वगैरह थी, बहुत लोग आ रहे थे। जैसे मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि जाने का बेस्ट टाइम, हम लोग तो निकले थे घर, वहाँ घर से मतलब 1:30 बजे जाने का प्लान था, 12 बजे का, सबसे पहले थे था 11 बजे का, फिर हुआ 12 बजे, और निकले हम लोग 1:30 बजे। तो अगर आप जा रहे हैं ना, तो जल्दी निकल जाएं घर से, लेट ना करें बिल्कुल, क्योंकि देखो जाने में भी टाइम लगेगा, आने में भी टाइम लगेगा, तो बीच में एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग के साथ हुआ, ज़्यादा मतलब फोटो किसको नहीं खींचना होता फोटो वगैरह, तो दैट्स वाई अगर आपको जाना है तो आप जल्दी निकलें घर से। मेरी माने तो सुबह सुबह निकल जाए, इट्स बेस्ट, 9 बजे निकल जाए, 10 बजे निकल जाए, 10:30 बजे निकल जाए, तो 2 घंटा आपको पहुँचने में तो लग ही जाएगा। सो जल्दी निकले, फिर वहां रहे बढ़िया, अपने इवनिंग दोपहर में एंजॉय करें। सडनली मैं चली गई थी, क्योंकि बाहर से बहुत हल्ला आ रहा था, तो मैं बोलने गई थी हल्ला मत करो, आई वॉज शूटिंग। सो कहाँ थी मैं, हाँ आई वॉज इन टाइम, हाँ, तो वही मैंने जैसे बताया, 9 बजे निकल जाओ, 10 बजे निकल जाओ, बहुत है, 2 घंटा पहुंचने में लगेगा, 12 बजे तक, 12:30 तक आप आराम से पहुंच जाओगे, फिर आप इंजॉय कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 बजे तक इंजॉय कर सकते हो। वहाँ से निकलोगे तो 6, 6:30 बजे तक तो आप घर पहुँच जाओगे, क्यों, हाँ हम लोग भी इतने ही जल्दी पहुँच गए थे घर, जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, वापस आने में इतना टाइम नहीं लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जा रहे हैं तो कभी भी मतलब छोटा ग्रुप लेके मत जाएं, लाइक 3 लोगों का, 4 लोगों का, 2 लोगों का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 2 लोग जाएं, सेफ नहीं है उतना ज़्यादा। हम लोग भी 4 लोग गए थे, 4 लोग मतलब ऐसे कह सकते हैं, लड़कियां लड़कियां खेलने ना जाएं, लड़के जा सकते हैं, लड़कों का चल जाता है, लड़कियां लड़कियां ना जाएं, इतना सेफ नहीं है। और आप फैमिली के साथ जाएं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो फैमिली के साथ जाएं, तो बड़ा ग्रुप लेके जाएं, लाइक 10 लोगों का तो मैक्सिमम, मिनिमम लेके ही जाओ तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी आप सबकी मर्जी है। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी, मैं जितना कवर कर सकती थी मैंने सब कवर किया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू आर फ्रॉम जबलपुर देन विजिट निदान वंस, क्योंकि मुझे भी जाना था, इट्स लाइक अच्छा था, बहुत अच्छा था, और रेनी सीजन में जाए तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, इसी के साथ बाय बाय, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मेरे बोलने के बाद भी कोई नहीं करता है, बट कर दो यार, क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने में, इसलिए बाय बाय, सब्सक्राइब करने पर आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिलता रहेगा। बाय बाय टूडल्स।